जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्व मंगल मांगल्यम्, सर्व कल्याण कारकम्, प्रधानम् सर्वधर्मानां, जैनम् जयतु शासनम्, जैनम् जयतु शासनम्, जैनम् जयतु शासनम्। नमः श्री समय साराय, स्वानुभूत्या सकाशते, चित्त स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरे सिदे। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय, यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। संसार अवस्था की चर्चा यहां चल रही है। हमने चार अनादि पूर्व में इसी अधिकार में समझे थे कि मैं अनादि से हूं और मुझको कर्म का बंध भी कब से है, अनादि से है, और संसार अवस्था में उस कर्म के उदय के कारण मेरे स्वभाव का घात भी अनादि से हो रहा है, और उस कर्म के क्षयोपशम के कारण मेरी पर्याय में मेरे स्वभाव की आंशिक व्यक्तता भी अनादि से है। कितनी बात अपन ने सीखी थी, ये चार अनादि, पांचवा तो अभी अपन नहीं चर्चा करें, लेकिन चार की तो अपने को क्या है, चार अनादि अपनी क्या कह जाओ साहब, मैं कब से हूं, मैं अनादि से हूं, और मुझको कर्म का बंध वो भी अनादि से है, चलो अच्छी बात है, और कर्म के उदय के कारण मेरे स्वभाव का घात भी कब से हो रहा है बाबूजी, अनादि से हो रहा है, ठीक है। और चौथी बात क्या है कि कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से मेरी पर्याय में मेरे स्वभाव की व्यक्तता भी अनादि से है, ठीक, चार बात है। तो अभी जो दूसरे तीसरे नंबर की बात है कि कर्म के उदय के कारण, कर्म के उदय के निमित्त से मेरे स्वभाव का घात अनादि से हो रहा है, ये बोलते हैं ना अपन, है ना, क्या कह जाओ सब, कर्म के निमित्त के कारण, कर्म के निमित्त से है, कर्म के उदय से है ना, जो भी कहो निमित्त निमित्त संबंध से ये बात कही, क्या हो रहा है
कि मेरे स्वभाव का घात अनादि से हो रहा है, ये बात हो गई ठीक है, और कर्म के क्षयोपशम से मेरे स्वभाव की आंशिक व्यक्तता भी अनादि से है, ये बात हो गई। तो प्रश्न ये है कि स्वभाव कौन सा है जिसका घात अनादि से हो रहा है? कहो साहब, प्रश्न ये है, स्वभाव स्वभाव है ना, स्वभाव वो कैसा है जिसका अनादि से घात हो रहा है, और आप कह रहे हो कि स्वभाव की व्यक्तता है पर्याय में, तो वह कितनी कमजोर है, वो कैसी है, ये दोनों उदयजन्य अवस्था है। बात पकड़ में आई आपको? हाँ जी या ना जी? देखो विषय है ना, बराबर विषय से आप मिलके अंदर बिल्कुल तन्मय होके चलोगे तो बात पकड़ में आएगी, है ना। बात सूक्ष्म तो है लेकिन ऐसी भी नहीं है कि समझ में नहीं आए। क्या हमने चार अनादि तय करे थे ना इस अधिकार में? क्या क्या चार अनादि तय करे थे बाबूजी? कि मैं अनादि से हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं, मुझे किसी ने निर्मित नहीं किया है, ये तो चलो ओके है ठीक। मुझको कर्म का बंध भी कब से है? अनादि से, कि जब से मैं हूं तब से मेरे को कर्म का बंध है, चलो ओके। फिर कर्म का उदय और उदयजन्य अवस्था, तो वो भी अनादि से है, अनादि से है। तो कर्म के उदय में क्या हुआ, कर्म के उदय से, कर्म के उदय के निमित्त से क्या हुआ? तो मेरे स्वभाव का घात हुआ, ठीक है, यही बात है ना अजीत भैया? क्या हुआ? कर्म के उदय के निमित्त से मेरे स्वभाव का घात हुआ। कब से हुआ? अनादि से हुआ। तो प्रश्न यह है कि मेरा स्वभाव क्या है, कैसा है जिसका घात हुआ? आपने तो बोल दिया ना, आपने तो ये रटी रटाई थ्योरी बोल दी, क्या कि मेरे स्वभाव का घात अनादि से हुआ। तो मेरा स्वभाव क्या है ये तो बताओ, कजाव साहब बात पकड़ में आई ना, मेरा स्वभाव क्या है ये तो बताओ आप, ठीक है, और कितना घात हुआ है, कितना घात हुआ है? भाई आपके पास 1 करोड़ का सामान घर में रखा हुआ है, रात में यदि चोरी हो जाए तो 50 लाख रुपए की यदि चोरी हो जाए तो आप क्या बोलोगे, कितना नुकसान हो गया बाबूजी? 50 लाख का नुकसान हो गया, और सामान कितना था? 1 करोड़ का सामान था, ठीक है। तो मेरा स्वभाव कैसा है पहले ये बताओ, और वर्तमान में उसका किस हद तक नुकसान हुआ है, घात हुआ है, ये बताओ। तो स्वभाव को वो भी देखना है, घात हुआ है वो भी देखना है, और घात होने के पश्चात क्या अभी मेरे पास बचा है वो भी देखना है। क्या हो गया? माल कितना बचा है ये भी देखना है, ठीक है, और जो वो माल बचा हुआ है वो मेरा ही है, इस चीज का आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। क्या, किस चीज का विश्वास करना पड़ेगा? जो माल है ना बचा हुआ है वो मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है, ठीक है, ये बात का भी विश्वास करना पड़ेगा। कितना है अभी? 1 करोड़ में से 10 लाख बच गए, तो ये 10 लाख मेरे ही है, ठीक है, किसी अन्य के नहीं है। और नुकसान कितना हुआ है? वो 90 लाख का नुकसान हुआ है। और माल कितना था? तो बोले 1 करोड़ था। तीनों बात बराबर पकड़ में आती है कि नहीं आती है ना? आती है ना? क्या क्या बात पकड़ में आती है? क्या क्या बात पकड़ में आती है? कि माल कितना था भाऊजी? वो तो मेरे पास जो था, ठीक है, नुकसान कितना हुआ, ठीक, और कितना बचा, तीनों बात पकड़ में आती है कि नहीं आती, ठीक। तो ये समझना, उदय के कारण ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय के कारण तो जो हुआ है उदय के निमित्त से वो नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। और ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो प्रकट है वो बच गया है, वो पर्याय में आ गया है, ठीक है। और माल कितना था? कि माल कितना था कि इन दोनों की निमित्त के बिना जो था वो मेरा माल था, उसमें निमित्त पड़ता नहीं है। कहना सर बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तीनों, ये तीन बात बराबर डिस्टिंग्विश
बंटवारा होना चाहिए और जोर जहां से लगना चाहिए वहां से जोर लगाना है। कहां से जोर लगाना है? जहां से जोर लगना चाहिए वहां से जोर लगाना है। और टोडरवाली साहब ने ये बात यहां पर बराबर व्यवस्थित उसको यहां चित्रण किया है, उसको लिखा है। चले अब आप में से चैतन्य जो बोलते हो ना, मैं चैतन्य हूं है, तो चैतन्य ने क्या मुझे ये आप में से बताओ। पुरुष वर्ग में से भी दो तीन जने जो अपन ने कल थोड़ी बहुत चर्चा करी है, और महिला वर्ग में से भी दो तीन जने कि चैतन्य क्या है। कजाव साहब, ये जीव का स्वभाव है। स्वभाव समझ गए? स्वभाव मतलब किसी के निमित्त के कारण हुआ है ऐसा नहीं। स्वभाव की विशेषता क्या है कजाव साहब? नींबू खट्टा है, शक्कर मीठी है, क्या है वो उसका स्वभाव, मतलब वो उसी से निर्मित है, स्वयं का भवन है। बात पकड़ में आई? किससे निर्मित है? उसी से निर्मित है। तो मैं किससे निर्मित हूं कि जो मेरा स्वभाव है ना, चैतन्य। तो ये तो शब्द आपने घोट लिया, चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य है क्या? चैतन्य आपने ये शब्द घोट लिया, लेकिन शब्द का भाव भाषण है कि नहीं? आपको मुद्दा तो भाव भाषण का है। कहो जी, बात पकड़ में आ रही? मुद्दा तो भाव भाषण का है कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं किससे बना हुआ हूं, मैं किससे निर्मित हूं, किससे निर्मित हूं कि मैं चैतन्य 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 वाला हूं। तो ये चैतन्य है क्या? बोलो भाई, चैतन्य ने क्या? कजाव साहब, चैतन्य ने क्या? जो मेरा स्वभाव है उस चैतन्य की विशेषता क्या है? विशेषता बोलो भाई, जल्दी बोलो। नहीं, वो तो किसी से, कोई भी द्रव्य किसी से भी निर्मित स्वयं सिद्ध है, वो किसी के द्वारा बनाया नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है। चैतन्य ने उसकी क्या विशेषता है चैतन्य की? कि सर्व द्रव्यों को, हाँ, सर्व द्रव्यों को, सर्व द्रव्यों ने मैं भी क्या, मैं मेरे अनंत गुण, उसकी अनंतो पर्याय, ओहो, और मैं अकेला नहीं, जगत के सर्व द्रव्यों को कैसे जानूं कि सामान्य विशेष रूप से प्रतिभाषित करने का मेरा स्वभाव है। क्या है? कैसा है मेरा स्वभाव? कदा हो सब क्या है भैया? क्या मेरा स्वभाव कैसा है? जगत के सर्व द्रव्यों को सामान्य विशेष रूप से प्रतिभाषित करने का, एक बात कहने के बाद फिर टोडरमल जी साहब ने उसकी सपोर्टिंग बात कही कि जैसे हैं वैसे प्रतिभाषित करने का। ओहो, क्या ताकत है मेरी। कह सब बात पकड़ में आई? चैतन्य ने क्या? आप वहां से उठना, वहां से पावर लगाना जो मेरी पावर है। बाबूजी, कहां से पावर लगाना? क्या कि मैं जोर लगाता हूं कि रात को जाना है ना बाबूजी, किसको जाना? रात को जाना। फिर इसमें मैंने बंटवारा कर दिया, ये शुभ राग है, ये अशुभ राग है, इन निमित्त को जाना, ये निमित्त हमारे सुख का कारण है, ये निमित्त हमारे दुख का कारण है, ऐसा जाना। तो हमने जो जोर लगाया है वो किधर से लगाया है? निमित्तों की तरफ से, राग की तरफ से। लेकिन मेरा स्वभाव जो असल ताकत वाला है कि जो निमित्तों से निरपेक्ष रहकर, राग से निरपेक्ष रहकर, राग से बिल्कुल निरपेक्ष रहकर उसको जैसा है वैसा जान सकता है, ऐसा मेरा स्वभाव। कठिन तो नहीं पड़ गई बात? मुझे नहीं पता आप क्या क्या कहां से ताकत लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, वो सब अपनी अपनी देख लेना। लेकिन टोडरमली साहब ने चैतन्य की परिभाषा यहां तो जो दी है बाबूजी, बात पकड़ में? चैतन्य चैतन्य तो शब्द तो सुना है आपने, लेकिन कहां से जोड़ लगाना, कहां से जोड़ लगाना हो?
जगत के जितना भी आत्माएं हैं सब में ये सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है बाबूजी? सर्व आत्माओं की क्या सामर्थ्य है कि वह जगत के सर्व द्रव्यों को सामान्य विशेष रूप से प्रतिभासित करे, ऐसा उसका स्वभाव है। ताकत कहां से आ गई? कहो साहब ताकत कहां से आ गई? अरे गे है तो जाना ऐसा नहीं। क्या बात पकड़ में आ गई? गे है तो जाना ऐसा नहीं, अरे मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ओहो, कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही यार? है बच्चों को तो जरूर कठिन लग रही होगी, है? लेकिन काने पड़े तो सही, अपने स्वभाव की, अपनी सामर्थ्य की पहचान तो है इस जीव को, है? बोलो भाई, कौन बोलेगा चैतन्य की परिभाषा? आप और परिभाषा बोलते समय अंदर से बाबूजी जो चैतन्य है ना उधर से पावर लगा के बोलना, उधर से कैसा हो, कैसा है मेरा स्वभाव, कौन बोलेगा? बोलो भाई पुरुष वर्ग में। कैसा है मेरा स्वभाव, कैसा है मेरा स्वभाव? जगत के सर्व द्रव्यों को सामान्य विशेष रूप से प्रतिभासित करे, प्रतिभासित करे अने प्रतिभासित करे अने हाँ जैसा है वैसा जाए। थोड़ा सा करूं क्या सूक्ष्म? ये जो है ना उजाले के कारण जाना कि मैंने आपको बताया इसलिए आपके समझ में आया, क्या आया बोलो भाई? ये जो उजाला है ना रोशनी है इसलिए अपन पढ़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, या मैंने आपको समझाया इसीलिए जान पा रहे हैं, ऐसा है ना? है भाऊ जी ऐसा है ना? नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है। क्यों? हम मेरा स्वभाव ऐसा है। कैसा है कजावत साहब? कैसा स्वभाव है? जगत के सर्व द्रव्यों को ओहो जैसा है वैसा जाने। सर्व द्रव्य में क्या क्या आ गया हिम्मत भैया? अपना तो यही द्रव्य और जगत के सर्व द्रव्य, अनंतो गुण, अनंत अति भूत भविष्य की पर्याय सबको जाने। चले आगे, चैतन्य की परिभाषा भूलोगे तो नहीं अब आप? जैसे ही चैतन्य बोले बाबूजी तो किस कक्ष में खड़े हो जाना? चैतन्य बोले ना, कल अपन ने चित्र बनाया था ना, चैतन्य बोले ये जो जानने में आया जानने में है ना, ये चैतन्य मेरा स्वभाव है, राग को भी जानता है, निमित्तों को भी जानता है, अपनी विकारी पर्याय निर्मल पर्याय सबको जानता है, जगत के अन्य गेयों को भी जानता है। कितनी चीजें हो गई बाबूजी, कितनी चीजें हो गई हैं? हैं? जगत के जितने भी गेय हैं सबको प्रतिभासित करता है, अपनी एक समय की दशा में जो राग है उसको भी प्रतिभासित करता है, जो निमित्त है उसको भी प्रतिभासित करता है, है? अपनी पर्याय में जो है ना निर्मलता है उसको भी प्रतिभासित करता है, लेकिन देखने का नजरिया इधर से नहीं होकर इधर से देखना, किधर से देखना है बाबूजी? किधर से देखना है? है? किधर से देखना है? इधर से देखना है। इधर अपन किधर से देखते हैं? है? देखते हैं ना उधर से, कजावत साहब देखते हैं, ये राग है ना राग, उसको देखते हैं, ये शुभ राग है ये अशुभ राग है ना, ये शुभ राग का किसका निमित्त है तो बोले पुण्य बंध का निमित्त है, अशुभ राग है तो पाप का, पाप बंध का निमित्त है, ठीक है? फिर वो उसके, लेकिन भाई
इसको जो देख रहा है ऐसा सामर्थ्य वाला तू है, ये तेरा स्वभाव है। बात पकड़ में आ गई? और इतना ही अभी जो अभी जितना देखने में आ रहा है, ये तो अभी व्यक्तता की बात करेंगे, अभी तो स्वभाव की बात कर रहे हैं। स्वभाव की, स्वभाव कैसा है कि जगत के सर्व द्रव्यों, उनके अनंत गुणों और उनकी भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक साथ जाने ऐसी सामर्थ्य है, ऐसा मेरा चैतन्य स्वभाव है। पावर कितनी है मेरी भाव जी? पावर कितनी है? एक समय में जाने, एक समय में जाने है। किसी के रिक्वेस्ट से नहीं, कोई समझा दे तो जानने में आ जाए ऐसा नहीं कि है वो उजाला कर दिया हो, रोशनी कर दी हो, ऐसा नहीं। मेरा स्वभाव है चैतन्य, चैतन्य मेरा स्वभाव है। ओ मेरी पूंजी है जिससे मैं बना हुआ हूं। अब अपने को कहां बैठना है बाबूजी? प्लेटफॉर्म कहां है? अपने बैठने का स्थान ये है, अपने उपयोग को यहां बिठाना है। यहां नहीं बिठाना, यहां नहीं बिठाना, यहां नहीं बिठाना, यहां नहीं बिठाना। कह रहे हो साहब ठीक है, नहीं आपका हमेशा प्रश्न रहता है क्या ये ऐसा द्रव्य द्रव्य दृष्टि दृष्टि द्रव्य दृष्टि होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती द्रव्य की दृष्टि? बोला है? अरे बोलो ना, होती कि नहीं होती? अरे जगत में होती है, और यहां करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाबू जी आप अगर सोना बेचने जाओगे तो जोर किसका रहेगा? पायल, सोने की पायल है, बाजार में बेचने गए, कीमत किसकी लोगे? पायल की नहीं लोगे? अरे बोलो ना, अरे बाजार से पायल खरीद के लाए, दोनों सेम डिजाइन की, एक चांदी की और एक सोने की, तो दिखने में भी बिल्कुल सेम कर दो चलो पॉलिश करके, तो फिर पैसे किसके दोगे? दोनों के एक जैसे दोगे? क्यों? दिख तो एक जैसी भी है, दृष्टि एक नहीं? दृष्टि पावर आती ना, पावर हुकार भरता है आदमी हुकार। बाबू जी जिसके पास मान लो 1 करोड़ रुपया है, और मान लो किसी से झगड़ा हो गया और उसको अंदर से पावर है उसका, और किसी लग गई 500 रुपए की, मान लो उसका नुकसान हो गया, गाड़ी से टक्कर लग गई, तो वो अगर लड़ने झगड़ने लगे, बोले तेरी गाड़ी की कीमत बोल, चल ये छोड़ नहीं ले जाना, ऐसा नहीं बोलता कभी जो अहंकार में है। तो ये जो उसकी भाषा आई किसके पावर से आई? वो पीछे नहीं, पावर है पावर, ठीक है ना, वो उसकी, भले ही अभी उसके पास नहीं हो, बोले छोड़ गाड़ी की कीमत बोल, ऐसा नहीं होता अहंकार है ना। तो किधर की तरफ का विजन है उसका? एक वो उदाहरण देते थे, अब क्या बोलते हैं उनका क्या नाम है, मैं बेंसरी के भाई पंडित जेठा भाई क्या ना, हिम्मत भाई यस, वो है ना, वो जो सैनिक रहता है ना बाबू जी, सैनिक क्या, उसके यहां लगी हुई तलवार, ठीक है, तलवार कहां बंधी हुई है? तलवार कहां बंधी हुई बाबू जी? और ताकत कहां आती है उसको? है? ताकत कहां आती है? है? आती कि नहीं आती? क्या जाओ सर बोलो, ऐसा मेरा स्वभाव, उसकी दृष्टि करना, उसका निर्णय लेकर उसकी स्वीकृति करना, यही असली पुरुषार्थ है भाई। हालांकि यहां वो प्रकरण नहीं है, यहां प्रकरण तो टोडन बल्जी साहब ये बता रहे हैं कि तेरा स्वभाव कैसा है और तेरा नुकसान कितना हुआ है और तेरी वर्तमान दशा में
प्रगटता कितनी है ये बात बता रहे हैं, और इसकी जो नुकसान हुआ है उसमें निमित्त कौन है, और जो व्यक्तता हुई है इसमें निमित्त कौन, और जो व्यक्तता है इतनी शक्तिशाली सामर्थ्य वाला जीव उसकी व्यक्तता में कितनी कमजोरी है उसको यहां बतलाना। लाचार कर दिया है, लाचार किसने लाचार कर दिया है, अभी बताएंगे आगे टोटल विचार। स्वभाव की तरफ की बात पकड़ना अभी मैं उसको बहुत अच्छे से, और जब पर्याय में व्यक्तता की बात कहेंगे तो व्यक्तता की तरफ से बात करना, इतना पावरफुल मेरा स्वभाव है और ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कर्म के उदय ने उसको कितना आवरणित कर दिया, या ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से कितना आंशिक मेरे स्वभाव की व्यक्तता है, कितना कमजोर स्वभाव है वो जब बताएंगे, मति ज्ञान की श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, लेकिन स्वभाव की ताकत कितनी है तो वो यहां पहले निर्धारित कर रहे हैं कि भाई स्वभाव की ताकत कितनी है कि तू जगत के सर्व द्रव्यों को एक समय में उनके अनंत गुणों को एक एक गुण की अनंती पर्यायों को एक समय में जाने, ऐसी मेरी सामर्थ्य है। बाबूजी बात पकड़ में आई, ये तो अभी स्वभाव की बात कही, यद्यपि यहां टोडरमली साहब को यह बतलाना है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय जन्य जीव की क्या अवस्था है, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे आप बोलो कि मेरा बहुत नुकसान हो गया है, आग लग गई है घर में, बहुत नुकसान हो गया है, तो बहुत का क्या आंकड़ा, दुकान में आग लग गई है तो बहुत नुकसान हो गया, तो आप बताते हो ना कि मेरे 5 करोड़ का माल रखा हुआ था तो जल के खाक हो गया, 5 लाख रुपए नहीं आएंगे, तो आपको नुकसान का आकलन हो गया ना भाव जी, क्या नुकसान का आकलन, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, 5 करोड़ का सामान था, जलकर राख हो गया, 5 लाख नहीं आए बचे सामान के, तो कितना नुकसान हो गया, 4 करोड़ 95, आइडिया लगाया ना। ठीक उसी प्रकार टोटल मजी साहब कहेंगे कि तेरे स्वभाव की तो ताकत इतनी है और इस कर्म के उदय के कारण इतना तेरा स्वभाव आवरणित हो गया है तो ये तेरा नुकसान है, तो पहले स्वभाव की ताकत तो पता चले कि मेरे पास माल कितना था, जब पर्याय में देखेंगे तो वहां उसकी व्यक्तता नहीं है और स्वभाव है तो वो कितने सामर्थ्य वाला, बात पकड़ में आ रही है आपको, चले आगे देखो, अब पढ़ो पंक्तियां। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, इस जीव में कोई तीसरे की बात नहीं चल रही है, प्रथम तो मेरा स्वभाव कैसा है, चैतन्य है, ठीक है, सभी का स्वभाव जो है ना, सभी आत्मा कैसा है, चैतन्य है, ये चैतन्य क्या है, चैतन्य ने क्या, तो आप टोटल मजी साहब बता रहे हैं कि चैतन्य क्या, वह उस स्वभाव के महिमा गा रहे हैं, वह क्या, सबके, सबके मतलब बाबूजी जगत के समस्त द्रव्यों के, जगत के जितने भी ज्ञेय की तरफ से बात करो तो ज्ञेय सबके क्या करे, सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है, किसका स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है चैतन्य वो सबके सामान्य और विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है, ठीक है, कैसे प्रकाशित करने वाला है भाऊजी, चक्कर तो ये है, जैसे है वैसे प्रकाशित करने वाला है, अब वो जो मजेदार बात है, क्या कैसे प्रकाशित करने वाला है, जैसा है वैसा प्रकाशित, जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो उसी का नाम चैतन्य है, कितनी जबरदस्त सामर्थ्य है हमारी, अब यहां सामान्य प्रतिभाषण किसको कहते हैं और विशेष प्रतिभाषण किसको कहते हैं इसकी चर्चा है, वहां
सामान्य स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम दर्शन है और विशेष स्वरूप प्रतिभासित होने का नाम ज्ञान है। क्या है? अब यहां दो बात कही, सामान्य स्वरूप ये जो दर्शन है, दर्शन वो सब में दर्शन वाला दर्शन नहीं है। ये जो शब्द है ना दर्शन, ये सम्यक दर्शन वाला शब्द नहीं है। वो जो दर्शन है ना वो श्रद्धा से रिलेटेड है सम्यक दर्शन, और ये जो दर्शन है ये सामान्य अवलोकन से रिलेटेड है। अब ये सामान्य अवलोकन क्या है ये आपको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे अभी आप इस रूम में घुसे राव जी, घुसे तो एक साथ इतने सारे जो द्रव्य है गे हैं उनको आपने जाना। कैसे जाना? कि कोई एग्जिस्टेंस बस है ना। अब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आसपास बहुत सारी चीजें आपके ऐसे दिखती है ना, जानने में आती है सामान्य रूप से, लेकिन क्या है वो आपको विशेष रूप से नहीं पता है, सिर्फ सामान्य है ना। उस दर्शन, उसको कहते हैं दर्शन। किसको बोलते हैं दर्शन? मतलब सामान्य प्रतिभासन। और ये क्या है? वो जो वो है विशेष प्रतिभासन, उसका नाम है ज्ञान। बहुत सारी पुस्तक रखी हुई है वहां, तो आपने एक सामान्य से देखा कि पुस्तक है इतने सारी, ये सामान्य प्रतिभासन, और उसमें से आपने गौर करके ये समयसार है ना, तो ये क्या हो गया विशेष प्रतिभासन यानी ज्ञान। बहुत सारी पुस्तकें हैं एग्जिस्टेंस वो सामान्य, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दर्शन। किसको दर्शन बोलते हैं? सामान्य प्रतिभासन को, और विशेष प्रतिभासन का नाम है ज्ञान, ठीक है। तो अभी संसार अवस्था में भाऊजी क्या दिक्कत है कि इसको जानने से पहले प्रतिभासन होता है। हाँ, वो तो संसार अवस्था में तो मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान को छोड़ो, बाकी सब में सामान्य प्रतिभासन पहले होगा और फिर बाद में विशेष प्रतिभासन होगा, वहां साथ साथ होता है ना, वो आगे आएगी। हाँ, वो आगे आएगा, अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी मति ज्ञान की, उसकी पराधीन प्रवृत्ति, मति ज्ञान किसको बोलते हैं, श्रुतक ज्ञान किसको बोलते हैं। अभी तो सामान्य प्रतिभासन मतलब एक बिल्कुल कोई चीज है ऐसा एग्जिस्टेंस, आप ऐसा समझो कुछ है इतना सा जो आपको जानने में आया, वो कहलाता है सामान्य प्रतिभासन, है ना। और उससे ये विशेष यानी ये क्या है ऐसा जानने में आया, तो ये कहलाता है विशेष प्रतिभासन। लेकिन एक बात समझना, सामान्य प्रतिभासन हो या विशेष प्रतिभासन हो, नियम यह है कि कोई है तो जानने में आया, ऐसा नहीं। क्या राजू भैया? कोई है तो जानने में आया, ऐसा नहीं है। उजाला है तो मैंने जाना, ऐसा नहीं है। क्यों? कि पहले स्वभाव की सिद्धि करके आए। क्या करके आए कजावर साहब? स्वभाव की सिद्धि, कि मेरा स्वभाव कैसा है। मेरा स्वभाव तो समस्त परद्रव्यों से निरपेक्ष रहकर जैसे वे हैं वैसे ही उनका सभी अन्य सर्व द्रव्यों को सामान्य विशेष रूप से प्रतिभासित करने का है। ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव मतलब बाबूजी इस कार्य के लिए मेरे को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई ना? किसकी जरूरत नहीं? किसी की जरूरत नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। आई बात समझ में? आपको स्वभाव का पावर आना चाहिए। आई बात समझ? किसी को भी जानने के लिए क्या कोई बताएगा तो जानूंगा, रोशनी है तो जानूंगा, चश्मा है तो जानूंगा, आंख है तो जानूंगा। अरे भाई, तेरे स्वभाव में इतनी सामर्थ्य है कि तेरे को किसी को भी प्रतिभासित करने के लिए बाहर किसी की भी आवश्यकता नहीं। तो साहब, अंधेरे में तो हम नहीं जान सकते हैं, चश्मा हो तो हम बिना चश्मा नहीं पढ़ सकते हैं,
तो वो क्या स्थिति है वो तो टोटल मिली साहब आगे चर्चा करेंगे। पहले तो स्वभाव की तरफ से बात करते हैं, फिर पर्याय में क्या व्यक्तता है उसकी बात करेंगे, और उस कमजोर व्यक्तता से और क्या क्या हमारे को सहारा लेना पड़ता है उसकी बात करेंगे। ये सब बात इस प्रकरण में हुई। अभी तो सिर्फ आप स्वभाव की तरफ से बात पकड़ना, कैसा है स्वभाव मेरा, चैतन्यमय मेरा स्वभाव है, चैतन्य से निर्मित हूं, चैतन्य 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 मेरा एकमात्र परिणमन है। वो क्या है कि मैं जगत के सर्व द्रव्यों को सामान्य और विशेष रूप से प्रतिभाषित करूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। कैसे प्रतिभाषित करूं, जैसे वे हैं वैसा ही मैं प्रतिभाषित, बस ये है पहले स्वभाव की मैं। देखो अभी पढ़ते हैं, पर जो उनका स्वरूप हो, किनका स्वरूप, जगत के सर्व द्रव्यों का, वैसा अपने को प्रतिभाषित हो, वैसा जैसा उनका स्वरूप हो और उसका विपरीत प्रतिभाषित हो, ऐसा तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। हाँ, जैसा है वैसा ही प्रतिभाषित हो, उसी का नाम चैतन्य है भाऊ जी। हाँ, वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन और विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है, ठीक है। अब ऐसे स्वभाव द्वारा, किसके द्वारा राजावत साहब, कैसे स्वभाव के द्वारा, जो मेरा चैतन्य स्वभाव है उसके द्वारा, ठीक है, वो जिससे मैं निर्मित हूं, है ना, किसी की कृपा से नहीं, मैं उसी से निर्मित हूं, ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, काल का भेद मिटा दिया, है ना, किसमें क्या हो गया, काल का भेद मिटा दिया, है ना, जो भी परिणमन हुआ है अनादि से लेकर आज तक, मेरा ही नहीं जगत के सर्व द्रव्यों का, उन सबको कैसे जानूं मैं, कैसे जानूं गजाव साहब, कैसे जानूं, प्रत्यक्ष युगपत अने सामने बिल्कुल एक साथ जानूं, काल का भेद मिट गया है, ऐसा मेरा स्वभाव है। शांतिनाथ भगवान के व्यक्तता केवल ज्ञान की हो गई, हो गई ना बाबू जी, केवल ज्ञान की व्यक्तता किसकी कृपा से होगी, किसकी कृपा से होगी, कौन ने उनको तीन लोक के समस्त द्रव्यों के सब, है ना, उनके लोक और अलोक और उसमें जितने भी द्रव्य, उनकी भूत भविष्य वर्तमान सब पर्याय, किसने ये ताकत ला दी, अरे वो स्वभाव था उनके पास मौजूद, ऐसा ही स्वभाव मेरे पास मौजूद है। कैसा स्वभाव मौजूद है बाबा, ऐसा ही कैसा स्वभाव मौजूद है कि मैं जगत के सर्व द्रव्यों को त्रिकालवर्ती उनकी समस्त पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपत एक साथ बिना किसी सहायता से जान, हो क्या पावरफुल चीज है, नहीं भाई, स्वभाव की पावर आनी चाहिए पहले आपको, जिस द्रव्य की दृष्टि करनी है, है वो द्रव्य क्या है, क्या सामर्थ्य वाला है, वो खबर है कि नहीं खबर हमें, है भाई, कैसा सामर्थ्य वाला हूं मैं। देखो पढ़ो आप ये पंक्ति, यही पंक्ति पढ़नी है अपने को, है ना, अभी दो तीन मिनट है, दो तीन मिनट जो अभी पंक्ति है, दो पांच जने पढ़ो इसको, क्या है, कहां से, ऐसे स्वभाव द्वारा, पढ़ो भाई बेटा पढ़ो, सदा काल है, ओहो हो
ठीक है। अब इसके मैं भेद करके पढ़ता हूँ, पहले दो चार जने पढ़ो आप इसको, तभी आपको महिमा आएगी। आत्मा को हटा के बोलना मेरे में, क्या बोलना है आपको? आत्मा को हटा के बोलना है क्या? मेरे में, ठीक है। अब पढ़ो आप। मेरे में सदाकाल रावत साहब, कैसी शक्ति है मेरे में? देखो शक्ति कैसी है, सुनना आप, कैसी शक्ति है कि सर्व पदार्थों को, कैसी शक्ति है सर्व पदार्थों को, फिर क्या लिखा हुआ है, त्रिकालवर्ती सर्व गुण पर्यायों को कैसे प्रत्यक्ष, कैसे प्रत्यक्ष और युगपद, युगपद फिर क्या भाई साहब क्या है, बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से सदाकाल है। गजानन साहब है ना, सब पंक्ति है, सभी बात लिखी हुई है टोटल मिली साहब है, सब शब्द है ना जो मैंने बोले हो। कैसी शक्ति है मेरी, बोलो भाई कैसी है? बस सर्व द्रव्यों को, उनकी सभी भूत भविष्य वर्तमान की त्रिकालवर्ती पर्यायों को, अनंत गुण एक एक द्रव्य में, एक एक गुण की अनंती पर्याय, ऐसे अनंत द्रव्य जगत में हो, उन सबको एक काल में उनसे निरपेक्ष रहकर प्रत्यक्ष एक साथ बिना किसी की सहायता से जानूं, ऐसी सामर्थ्य मेरे में कब है? सदा काल है। ये शक्ति की बात चल रही हो, व्यक्ति की बात नहीं चल रही, शक्ति। हाँ अभी ये तो स्वभाव की बात करनी है, अब पर्याय में क्या व्यक्तता है उसकी तो चर्चा करेंगे अभी, ये तो स्वभाव की बात चल रही है। इतना पावरफुल स्वभाव ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के उदय से कितना कमजोर अभी व्यक्त है निमित्त में, उसकी भी बात करेंगे। पहले स्वभाव कितना पावरफुल है ये तो आप समझो, फिर उसकी पर्याय में व्यक्तता कितनी कमजोर है उसकी बात, और कमजोर ज्ञान जो व्यक्त है वो उस स्वभाव का ही अंश है ये बात भी नक्की करना है ना, उस स्वभाव का ही अंश है, वो कहीं से आया नहीं है, तीसरी जगह से नहीं आया। आई बात समझ में? लेकिन कमजोर कितना हो गया, ताकत कितनी थी, ताकत कितनी थी और व्यक्तता कितनी कमजोर हो गई उसकी चर्चा है, और इसमें निमित्त कारण क्या है, तो बोले संसार अवस्था में ये कर्म का उदय निमित्त है। हाँ अभी हाँ ये स्वभाव की बात चल रही है, बिल्कुल स्वभाव की बात, वो व्यक्तता की बात होगी, अभी स्वभाव तो मौजूद है वर्तमान। हाँ आई बात समझ, चले पढ़ू क्या पंक्ति फिर से है? पढ़े पंक्ति पढ़े, द्रव्य दृष्टि आप बोलते हो, द्रव्य दृष्टि कैसे करें, यानी द्रव्य कैसा है पढ़े उसका नक्की तो कर, नक्की तो कर दृष्टि, पहले नक्की ही नहीं है कि मेरे पास कितना धन है तो उसकी दृष्टि कैसे होगी, मेरी सामर्थ्य क्या है नक्की तो कर, नहीं तो ये नक्की है, नक्की स्वभाव कैसा है मेरा, इस शक्ति की स्वीकृति उसमें स्थिरता अपने आप आपके पर्याय में प्रकटता आ जाएगी। आई बात समझ में, पर्याय के उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाएंगे जब आपको समझाएंगे कि कैसे पर्याय में शांति की व्यक्तता पर्याय अपनी स्वयं की योग्यता से लाती है वो, लेकिन उसके अंदर क्या उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। टोटल मल्ली साहब ने बहुत अच्छे से इसका खुलासा किया है, अभी तो इतना अपने को समझना है कि मेरी शक्ति कितनी है, विशेष चर्चा।